पर दोस्त है कि तुम शाहू बदमाश ने गुजरात तलाक के पाबंद किया है? यस सर। और नॉनसेंस, शायद तन पता नहीं गुजरात राजू का शहर है, तो राजू ने अपने शहर आज तक कोई बदमाश नहीं जान देता, तो तू अन्य खौफनाक बदमाश में शरीफ आदमी टकरा के जाना है कि पूरा गुजरात कतलगा बन जाए। सर सच पूछो तो यो सोच के उन्होंने गुजरात भेजे सी कि हो सकता है राजू उन्हू राय पा दे। राय पाना राजू का नहीं कानून का काम है, शुक्र कर अजकल राजू जेल च बंद है, नहीं तो शाहू की मौत की खबर छप चुकी होनी सी। जितनी जल्दी हो सकता है उन वापस बुला रहे। ओके सर, मैं अज ही ऑर्डर भिजवा देना। अज ही नहीं, इस वेले तू आप पिंडी छड़ गया, जो उन्हें एक बारी भी गुजरात की ट्रैफिक रोक लेती तो फिर उन्हें कतल होने तक कोई नहीं बचाएगा। सर मैं पूरी पूरी कोशिश करांगा कि शाहू बदमाश उथे ना पहुंचे, जे उथे पहुंच ही गया तो फिर ट्रैफिक ना रुके। तो फिर अज तो बाद शाहू जिस जिस इलाके च पाबंद होगा फिर उथे रुकिए। शाहू कदम कदम पर कानून तोड़ रहा है और तुम बंद कमरे में बैठे सिर्फ सोच रहे हो कि वो एक न एक दिन पकड़ा जाएगा। मैं पूछ सकता हूं कि ये गफलत और लापरवाही क्यों? सर तुसी फिक्र न करो, कानून कदम कदम से उदा पीछा कर रहे है। मैं ताड़े हुक्म के मुताबिक इंस्पेक्टर शेखा की ड्यूटी ला दी है। शाहू जिस जिस शहर इलाका पाबंद हो साया बन के उधर नाल रखे। अल्लाह करे वो अपने मकसद में कामयाब हो। जितने भी जाने जिंदगी जाम कर दें, सिर्फ अपनी आवाज सुनी है या अपने पैरों की तीसरी आवाज सुन का शौक है। राजू जमिया शाहू तेन तेरे भरा पहले भी मिल चुके हैं, तेन पता होगा आए चार संत वापस तिंड गए ने। यह वैसन तो गुजरात आया, यकीन नहीं सी आंदा के सोनी जमण वाली मिट्टी मदान का मर्द भी जम सके। गुजरात की आखिरी हद तेरे भरा की कबर इस गल का ऐलान है शाहू के गुजरात की मिट्टी बगैर जमे तो उन्हें भी जूंदिया नहीं छड़ दे। मरते सारे गुजरात ने जाना माई, बचना तो सिर्फ राजू की भैन जिदे को अपने भरा के पत्ते च पत्थर लाना। नहीं ओ शम्स, जिथे हथ रोकण वाला ना होवे उथे हथ चुकण दा की फायदा? एनू नोटां दी पंड बन दे, जिस तरह भी हो सकता है राजू नू बाहर लैके आवे। हाली भी बेला शाहू, अपने बेगैरत भरा की कबर ते फातिहा पढ़ के वापस चला जा। जिस राजू ने मस्जिद के सामने जुआ नहीं सी होन दिता, जो ने तेनू मारे सामने खलोता वेख लिया तो जूदा नहीं छेगा। शमसू, राजू नू मां दी बड़ी चेड़े, एदा सिर नंगा कर दे। शाहू एडा वड्डा नियंद्रा ना पावे, वापसी तक बड़ा ही औखा होवेगा। एदी कड नू भी अगला दे। शाहू करते तेरा भी साड़ दिता बुढ़िए, पर छड़ इसलिए रहा कि राजू दे आने तक उन्हें अपनी जुए की बैठक बनाना है। मस्जिद के सामने ना सही, राजू दे इस काबे के सामने तो सही। मां तेरी चादर कितने में? हाली बोल ना सुनिए, जे गल किसे मल्लेदार ने सुन के राजू ने सुना दी थी तो वो है चादर इस धरती के हर बदमाश से लोह ना लंघ के ले आवेगा। तेरी चादर किसी बदमाश ने तो नहीं लाई मां? उन्हें चादर ही नहीं लाई, और रेड़ी भी साड़ दी है बानो, तेनू खिच खिच के मैं पुत्र दे मुकदमे की मजदूरी कर नहीं सा। लाले का नाम सुन के तो बदमाश घर का राह भुल जाते ने मां, यह कड़ा बदमाश है जिरा हाथ तेरे गिरे बन तक आ गया। पुछती है जाके आते सानू सोने जमण वाली जू चो कट के एह जी थां ते लै जाए
जिथे दफा 302 दे मुजरम रहते ने। तेनू अपना शिदाई समझ के गले ला लेना या गुजरात की वायरस समझ के तेरा घाटा ला दे। तू सिर्फ इना सोच के जुबान बंद कर ला। मेरे हाथ शुरू तक अपने यार के पाबंद ने जदों तक तू गुजरात छे। लाला दी पुठी गल दा तर्जुमा करके दसा। मेरे कोला पुछे मैं राजू का यार हाँ ते वालों ये शराब से कुछ पैसे लैके आया। और बिले चल पहलवान हम शराब दे। शो बादशाह ले ना थोड़ा टैक्स और कई दसेगा थोड़ा है कि बहुत है। ओ माफी ना मैं या वसीयत नामा। राजू राकट पहलवान से लिखता है कि शव तू गुजरात मेरा मेहमान है ते मैं मेहमान से कभी हाथ नहीं हो चुकया। हाँ अपने घर च मैं सिर्फ नियंत्रण वसूल करना हूं ते वापसी दुश्मन की तरीज से। मैं कल शराब दिया कुछ बोतल ते कुछ रुपया भी भेज रहा। इनू मेरे वालों मेहमान नवाज भी समझ सकना ते गुजरात च रहन की मोहलत भी। राजू राकेट पहलवान ऑफ गुजरात ने भी लिखा कि जिस ट्रैफिक में तू रोकया ओदी लाल बत्ती नू सबक तेरे शहर च आके करेगा। ते मैं भी तेन मशवरा देना चाहूं शराब ते पैसे मुक जान ते इथों नस जाए। मेरा नाम बाला कसाई है जी। मैं राजू का यार हाँ। जाओ तेन गुजरात बदल करके आज तो पिंडी का नाका पाबंद किया जाता है। चल मेरे नाम सुखसान। कौन है तू? जी मैं राजू का यार बाला कसाई है। बाला तू है? जी तो बाहर क्यों खड़ा है? आज अंदर ला गया। बानो जी बानो बाहर आ। राजू का यार बाला है। सलाम मेरा जिंदी रहो भैन। मैं उस तरह मिल जिस राजू मिलनी। माफ करी भैन मैं जज्बात चाह के भूल ही गया था कि मैं राजू भी बाला कसाई है। जिंदी रहो भैन। मैं वीर दे गल ही लाके देंगे कि उन्हें कुछ खान वास्ते भी देंगे। जाओ तो रोटी लेके आ। नहीं मां जी रोटी असी दादा की नगरी चल के खावे। मैं राजू का वादा किया। मतलब मेरे ना लाहौर चलना पड़ेगा। हाँ जी जा बानो तू चल के समान पा। अच्छा मैं राजू का हाथ पढ़ के मानो सुनाना। किते जाना है? वो जाना तो लाहौर है पर पहला सीट ते दे। सीट ते नहीं हैगी जे जरूरी चाहिए तो पिछली बस ते आ जा। तू रहन दे पुत्र देखे ना बाहर भी तो सड़क से घंटा खलोना पेगा ना। असी इत्थे खलो लांगे। तू टिकट दे पुत्र। तू टिकट कट सीट मैं आपे ले लांगा। अच्छा जी और बीबी बहना अच्छा जी थले रख सीट बंदे वाले बहन वाली है। मैनू सीट मरदाना नहीं सुनाना चाहिए। नाल मेरी मां भी है। ते केड़ी है तेरी मां? जरा मैं भी वेखा। नहीं पड़िए बहुती जबान ना चला। आराम ना बैठी रहो। असी बस खलो के चले जाऊंगे। वाह वाह बोली ते मैं राजू रख दी मां हो मैं। तू राजू रख नु जानू है ते फिर उठ के सलाम कर उदी मां ही। मैं राजू रख दी मां है ते मैं की करा। राजू दी मां सच्चे जा माई दे ते नाल माई दे नाल दे। सुबह मां जी दा भी मूड कुछ ठीक होया जे। जदों दा मस्जिद दे सामने जुआ खाना नहीं सुबन दिता ते आप जेल चल गया। ओ तेरा लब रही
कदों आखी बस एक महीना कैद हो रही गई मेरे माला ने चौबारे मुख जाती मेरे वक्त चलो तो मैं तेरे सिरा खाते बैठावा अम्मा जी राजू ब्याह दिता ही हाली मेरे खैर कौन है ए मेरी धी बनू चलो ये चंगा ही हो गया ऐसा मतलब है राजू हाली कौर है मरकी सलाई छला दे दिया की मतलब हाँ हाँ मैं तुम चाकते नहीं बढ़िया यह आख्या ना कि मैंने प्रेमू बना ले तेनू तारा लाई हुई हूं मैनू एक बार फेर दे तो पुछ इस बस के कलिंडर को कैस बस सीट खाली क्यों नहीं है वे कन खोल के सुन सारे खड़े गुजरात के ने तो सीमो वेखन नहीं बैठे ने गुजरात तो लाहौर तुरा तो पूरा गुजरात लाहौर आ जाता है लाहौर जो मुड़ के मैं वापस जावा तो पूरा लाहौर गुजरात जाता है तो मां जी तेन मैं जती नहीं सिर ना खा सिर खाने चंगा तो सीट अपनी वापस आ लाओ टमा सीट नहीं सच चाहिए कुड़िए तेन मैं एक शर्त कबूल कर सकती हर साल पोतरा दवा तो मां जी मैं दे सकनी नहीं 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 मुड़ ए हुई कि राजू दे बुए से पुलिस से बदमाश तू नहीं आन देगी खुश ना किता ही बदमाश राजू डक लेती ते पुलिस मैं ना आन देता हुकूमत ने पुलिस की नफरी बढ़ा दी है तनख्वाह बढ़ा दी है ये बावजूद बदमाश जरम बढ़ते जा रहे हैं आखिर क्यों सर बदमाशी ते जाए कानून दे सामने नहीं होंगे कानून तो डुके किते जाते हैं मैं नहीं मानता मेरा ईमान है अगर इलाके का इंस्पेक्टर जानादार हो तो कोई जुर्म नहीं हो सकता चोरी ऐसी होंगी है चोरी जो तुम पेश की हिस्सा मिल जाता है सर ये सरासरा इल्जाम है याद रख आज तो बाद तेरे इलाके चोरी हुई तो तेरी तनख्वाह कटेगा जब बदमाशी हुई तो तेन सरेआम कोड़े मारेगा यू अंडरस्टैंड सर ऐसे लिए मैं अपने इलाके के हर बदमाश नू थाने बुला लेता है लिस्ट बखा चंडा बदमाश बड़ा मशहूर आदमी है उन थाने बुलाई सर तशरीफ ले आओ इंस्पेक्टर यस सर मेरा जो चंडा केड़ा है सर उन्हें इतने बिठा के गया सर पता नहीं कितने चला गया ओए वो चंडा कितने गया चंडे ये सब चंडिया ने कंजिया चंडिया क्या चंडा तेरे सामने तो चंडा तेरा ना है जी जनाब लेकिन ये चंडा हर वेले थाने की टंगिया रहा है तू बदमाश है और मैं तानू पेंजा नजर तू कहती बदमाशी करना है लो जी जनाब अली मैं नसदा बहुत अच्छा की मतलब ओ जी मैं जिसमें नसना मैं अपनी स्पीड पूरी दुनिया नसती नजर आती है अगर नहीं यकीन जब पूरी पुलिस में मेरे पीछे नसा के वेला जब खलिया ना प्यो आ गया तो प्यो का पुत्र नहीं सर आ गया इंस्पेक्टर सर मेरा पीछे करो सर इस बंदे को कौन फट सकता है पता नहीं बंदा कहना बने जब थक जाएगा ना जी तो आप ही डिग पाएगा जिन्होंने पुलिस नू नेड़े नहीं लगन दिता ये वो असला जिन्हों अमरीका लभन वास्ते चंदे गया सी पर अमरीका नू की पता कि असला झंडे बदमाश को लगा है अगर
फिर उन्होंने पता लग भी जाए तो झंडा बदमाश ये असला नहीं दे सकता, पूरे अमरीका अपने पिछे पिछे ला के नसा सकता। और गल सुनो अगला थले पलवान था पुत्र तू नासा थले बगीची लुआई है करना कि जाके खान नू ते बाले नू कहो के झंडा अज पाटन तो बच गया। होया हो झंडा बदमाश नू जाके कहो के पुलिस से हाथ नहीं आ सके। केड़ा खान ते केड़ा बाला भाई पागल ते फुटा और खान नहीं जानता किताबे इलाही दी कसमे सारे लाहौर शहर दे विच सब तो वड्डा ताले उहदा ते बाला कठाई नू पूरा बुचड़खाना जानता करना कि मैं तू गुजरा वाले का मेहमान है, इतों का पुत्र जमदे खाड़े वड़ जाता है। तुसी किवें निकल आए हो भलवान बन के? ओए गामिया जाके चिड़ी की दुकान तो एक मन मठाई लै, लाहौर जाके की याद करेगा कि मैं गुजरा वाला गया सा। ओ जी भलवान जी एक मन मठाई की करनी है, मैं कोई लाहौर जंज भाई है, ये ना होवे कि जदों भी मेरे पिछे पुलिस लगे मैं नस के गुजरा ले आ जावां। ओए भावे सारे लाहौर नू लै आवीं, जे लाहौर पंजाब का दिल है ते गुजरा वाला छाती है, ए छाती वाला भी दिल धड़कदा है और भी दलेर हुंदा है। जनाब तुसी मैनू और कुछ ना दिओ, बस मैनू इजाजत दी दिओ। भलवान जी कोई टैक्स मंगवा दिओ। गल पे कर दिओ बादशाह, मैं ते आप बहुत वड्डी टैक्स दिल भर जाना और रशा दिल भर जाना और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान देख ही रहे ये राजू की मां के भैन ने। राजू का मां बहन? वो गलत बात मत करो बाला, ये अब राजू का नहीं हमारा मां बहन है। वो सलाम मां जी। वालेकुम सलाम। बहन तुम हमको क्या देखते, हम पठान लोग हैं, वो दिल का बहुत साफ है। वो शेरबानो शेरबानो इधर आओ। वो देखो शेरबानो ये हमारा मां है, तुम्हारा साथ है, सलाम करो। सलाम माँ जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वो माँ जी राम बाबे ये हमारा बीबी है शेरबानो, हमारा नाम है यूसुफ खान, वो हमारा बच्चे नहीं छोटा गुलबानो, वो ये कहता है कि वो फिल्म बने है यूसुफ खान शेरबानो, वो हमारा दोनों का पता है। वो इधर ही किधर होगा वो गुलबानो? वो बच्चा तो किधर किया था बाबा, हम मेहमानों को देखकर कावा चूल्हे पे रखने गया था। वो शाबाश बच्चा। माशाल्लाह बड़ी जहीन बच्ची है। बारा बाबा बोलता है मेहमानों की खातिर जान भी दे दो। वो बच्चा ये हमारा मेहमान नहीं है, ये हमारा माँ है, छोटा सा बहन है, तुम्हारा पीपी है, वो तुम्हारा दादी जिंदी रहो। ठीक है, ये अब हमारा घर में रहेगा, चलो इनको लेकर अंदर जाओ, चलो शेर बनो। पुत्र तेरा घर कितने? ओ दुकान ही मेरा घर है माँ जी। मेरा भाभी कितने रहती? बानो भैन हाली तेरी भाभी जमी नहीं। वे ये की आखिया, मैं तेनू कुड़ी नहीं लगती। ओ लखी कबूतरी है, मैं हूं लखा मारा तेरे बीड़ कर देंगा। ओ बाला ओ मड़ा ये कौन है? ए सट्टू तालू की दसेगा, मैं तो दसनिया, मैं दे होने वाले बच्चे दी माँ। वाह अच्छा अच्छा तो मैं इसका माँ है? ओह वो नहीं हाथा, वे कल खा के मेरी गाल सुन ले, जे कुआरी मैं मर गई तो छड़ा तू ही मर जाएगा। अल्लाह ना करे, ये अल्लाह ना करे। खान पुत्र बस इच बिल्कुल एहो जी कुड़ी मैं मिली सी जिन्हू मेरे राजू नाल ब्याह करन दा। चक्की बंद कर दियो। ओके सर। मैं संजय को पेटी तो खटमल निकल के बैठा है। माफी हो आए गुंडिया ने वजीर आजम आए नांगे तो बच्चे माफी जो है माफी देंगे काटा रिश्तर ते पर असी कड़े जुरा माफ किए ने।
पंजाब पुलिस मुकाबले नौ कदम नौ काट जुर्म ज्यादा पर पंजाब पुलिस मुकाबले नौ कदम अठ डाके चौरा चोरिया पिछे पिछे बक बक लाई जे पांच सीट दुकान के जगह का डेरा है तू बंदा तो खिचड़ा है किने भी की खन ला के बाल कसाई की दुकान से टंग देना बकवास कर हूं इतने लैन की है कि गोश्त दिया तेनू और मैनू बकवास करने और जे तू यार ना हुंदो किताबे इलाही दी कसमे अजाबे इलाही बन के नाजल हो जाना सी जा तेन माफ किया फर्गिव यू बस सिर्फ इना दस के राजू रागती मिली सी किस्म की बदमाशी राजू रागती नहीं है राजू राकट को क्यों शाह रख लवानी कौन शाह रख बढ़ सकता है कौन कहता है शाह रख बढ़न का अच्छा पहलवान जी सिर ना अगे इस बाजार ही सिर खाने वाले बड़े ने सुनिए वेचना गोश्त ते नखरे नवाबा ले और नखरे क्यों ना करिए तेरे वांगू भाड़ा कर दिया अगले दी अति परात ही नहीं खा रही थी करो खाई दे पैरे दी रोटी नहीं खाई दी करो खाई दे ते पहले तू अपने घर नु घर से बना के वहां कमरे च बादल शिव दी तस्वीर लाई रखना मैं तो अपनी पहले शादी भी करा के वहां घबरा ना मेरी जंज दी रोटी भी तू ही पकानी है कैरी जान ते कैरी रोटी सुना जिगर आया का नहीं बस आने वाला आ खैर है जिगर दी नी उठ उठ नी अपने फुफ्फर वाले बिट बिट के देनी सुनिया नहीं उठ ओके खलो आई तो बड़े गुस्से ही सा एक बिंडू और ला पैरों च डिगन डी है तो मेरी भैन लग दी मुफ्ती दो टांड खा बैठी है और समझ आई है कि मच्छर अपने तंदूर वांगू क्यों पे तप दी है ते आज तेरा जिगर रे ऐ ते रोना है ऐ ते मेनू चाह ही नहीं पांदा ते तू का ग्राउंड जाके कर ले चुप कर दे और क्यों खखर नु छेड़न दिया है ते गल गल ते गल पैंदी हूं हुन मैं कक्कड़ हो गई ले भाई भरा जे सानू भैर आखना है ना ते ऐस माछा नु साडी भाभी बना दे देखी भैन दा मान न त्रोड़ ओ पर छीमो बड़ी कपत्ती हूं आहो कम माना है सारा शहर पियो कहता तानू तिना कट के अच्छा अलावे किसना ताड़ी मर्जी हो अब क्यों भाई चमकी रही है रंगदार तेनू वेख वेख पिया संगदार सारे गिण गिण रात
ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੀ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗਏ ਘੰਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੌ ਚੁੱਕਾ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਲੇ ਰਾਜੂ ਕਿਧਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤੋ ਗੁਜਰਾਤ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਏਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੈਲਵਾਨ ਵਾਲੀ ਕੁੱਤਾ ਉਸੇ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਬਲੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੂ ਲੌਂਚ ਨਹੀਂ पिंडी चल नहीं तो तौन पान देंगा या अपने पैर की तीसरी आवाज सुन का शौक है कबूतर रखा बंद कर लवे ते बाज उन छड़ते नहीं देंदा फिर चुको मैं भी ते वेखा तू शह की है कलमा पढ़ के छाती ते फूक लाए मरण तू नाम ही पाई सकियो ते बख्शा जरूर जाएगा राजू राकोट ओए के तेनू काली स्याही नाल लिख के समझाया थी ते हुण तेरे लहू नाल चप्पे चप्पे ते लिखांगा कि मेरे पाक वतन च काफर लई कोई थां नहीं तेरी एनी भी बहादुरी राजू तू शव दे सामने सिर चुक के गल कर रहे ओए पत पक्का हाली ते मैं तेरे उस भरा दा सिर ला के उस चौक च टंगणा ओए जिथे उहने मेरी मां दी चादर लाई थी ओए उस चौक के जुए दी तरी विछा के तेरी मां नूं दा ते लाणा कुत्तिया आना
तेनू क्या तो बहुत वजन कराया कर दिन ब दिन मेरी दहशत की वजह तो छोटा ही होता जा रहा है। यह ना हो एक दिन मैनू तेरा खिला नहाना पवे। भलवान जी बाला तू पाई रीजे वैसे तू खला खरीदना है? नहीं सरकार मैं आपका यार बाले का यार। हां ना कहते बच्चे बाले का यार हो गए तो चंडे बदमाश को सिर्फ सलामी नहीं जानता जे सारा शहर सानू क्यों कहता है तेन कट के काटो टैक्स। सारा जग जानता कि मैं बदमाशी को नफरत है इसलिए राजू ने कभी टैक्स नहीं दिता। राजू जी राजू राकट राजू राकट दस रजिस्टर पर कसना है बल्ली जा जाके खान दे टाल ते बदल करा ते उम्र की पर्ची लिया ताकि तेरा पता लगे कि मॉडल का तू बदमाश। वैसे मैं बदमाश तो नहीं दसते हैं कि मॉडल का बदमाश हूं। यार शराब पीछा गया और मैं क्या इस मस्कीन नु कल भी टांक मिल दी और ऐसे पूरे बाजार की रौनक है। बोला ओ खान खान ए मेरा दोस्त राजू ही जिगर है अपना सिंह लाल दे की हाल है? वालेकुम अस्सलाम लाला बिल्कुल ठीक है। राजू ए खान मेरा वो दोस्त ही जिसे ते मैं सके भरावों को वध मान ही साटा ईमान है कि बाले का यार पुल से नहीं हो सकता। पर माँ तो मानो कितने वो अब तुम्हारे माँ बहन जी हमारे माँ बहन तुम उनका फिक्र मत करो। वो हमारा शेर बानू के पास रहते हैं। वो हमारा छोटा बच्चा ना गुलबानू वो भी होता है। चल हुआ आओ आए बहनमान नवाकफ को टांट खा रही। हाँ नवाकफ इसी तक टांट मार गया कि वाकफ होता तो अंदर कट जानी सी। तेनू ते पता है सारा शहर सानू पीऊ कहंदा आराम नाल तेनू कट के आए मासके जेलों से तुर गया से दुश्मन दे दिलेर तक खलो के तेरी चादर का मूल दस्या मां फिर क्यों है लाला ओए हुण जदों भी गुजरातू लंघन के वो दिन मिट्टी ते आसमान नु सलाम करके लंघन गे कदी मां दे भी दुख बन लिया कर पुत्र ना सदा खान ते बड़े वर्गे दोस्त लगते ने ते ना ही सदा मौत मुझे देती है। तेनू सिरे चढ़ लिया फिर चढ़ी भी सूली कहेंगा मैं चढ़ जावा। वो तुम फिक्र मत करो माँ ये अगर हमारा बात नहीं मानेगा तो हम इसको यार नहीं बोलेगा। देखो राजू यक काम करो अगर झगड़ा मगड़ा करना है तो इसको बहन मत बोलो और अगर इसको बहन बोलना है तो फिर झगड़ा मगड़ा मत करो हम तुमको ऐसा नहीं करने देगा। और यार राजू तू की चाहना माँ तेरे मुकदमे लड़ ली फिर सड़क तो मजदूरी कर दी फिर वाले राजू बदमाश नहीं पर जय कोई बदमाश दलील से आ जाए तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। बच्चे बदमाश को हम खुद रखेगा तुम सिर्फ मैं का कोशिश रखो। और राजू माँ भी खुशी ने मजदूरी तक की तेनों मौत ना भी मथा लाना पवे तो ला लें यार। ठीक है भले है कौन ये छोटा हमारा प्यारा बच्ची गुलबानू है और ये हमारा बीबी शेर बानू है। हम तुम्हारा माँ बीन का नौकर है भाई साहब। पाले भाई तू सानू पहला दसा हों ना कैसे साड़ी भाभी नाले भतीजी रहती है तो भाई अभी खाली हाथ कभी ना आते। चाचा हमारी सालगिरह आ रहा है हमको गुड़िया ला के देना हम तुम्हें गाना भी सुनाएगा। ओ लोशिए मैं अपनी भतीजी नु सालगिरह ते गुड़िया भी लिया के देंगा ते गाना भी आप सुनावगा। वो देखो राजू अगर हमारा बच्ची के लिए गुड़िया ला ले ना तो वो झगड़ा मगड़ा चूड़ो कोई मजदूरी वस्तूरी करो। चलो ठीक है खान राजू आज तो बात मजदूरी करेगा। वो तो मजदूरी करूंगा चाहूंगा
इनमें सिर चुकाना है। खान अज फिर उधार ले गया नसवार है? सुना फिर झंडिया, और राजू पहुंचा के नहीं? केड़ा राजू? वो राजू रकत। राजू रकती गुजरात की सोनी पहुंची पहुंची। फिर की? पहले देखो ना बदन की मालिश कराई, फिर उसका वजन कराया। किताब इलाही की कसम नहायत हल्का और फिका वजन और लिस्सा वजन निकले, इसलिए उन्हें खान दे टाल उते लकड़ हार की मुलाजमत दवा दी। लकड़ च खाना ठोकन दे। विशाला जी ने ताकि खुशी की खबर सुनाई, लखा सानू वेख के खुशी। जमन वाली ने मुंडा ते बड़ा सुथरा जमिया, छीमो छज्जा वाली दे मुंडे दे नाल मुंडा ला के खलोसी, ते सज भी जाती ते स्वाद भी आती। पर मैनु स्वाद सिर्फ दुश्मन दी दलील ते खलो के आंदा मुटियारे, जा चली जा। वे छीमो चावे ते लम्मी गुत विखा के पूरा गुजरात लौर ले आवे, पर सानू ते पसंदी गुजरात दे मुंडे तै मुंडा सा सस को खो लेने। वे रुपये रुपये जिन्ना ते तेरा ढिल है, सानू देखने नाल घटते ना जासी। बोले बोले तेरा खाते मोड़ा भैया, तुम कमाल बात करती है। वो बोले इधर आती है तो अपना मशूक लेके आती है, और तुम इधर आती है तो तुम भी अपना मशूक लेके इधर आती है। ओ बाबा, ये कोई माँ बाप करने का जगह नहीं है, ये हमारा घर है, इधर हमारा माँ बहन रहती है। चलो भागो इधर से, चलो वो तुम हमारा मुंह कर देखती है, चलो चश्मा लेके भागो इधर से। मालूम होता कि तेरा वजन बहुत ही घट गया, तेन होया कि
बलबली देख के महसूस होया कि बाजार च कोई हल्का कुत्ता बार आया। अन्ना कहते बच्चे तू क्यों मुंज में धो गया है? जरा साढ़े जुर्मा की तख्ती पड़ के बस। तख्ती पड़ के अपना तख्ता ना करो भाई उस्ताद, शुक्राना। किताब इलाही की कसमें अजाब इलाही बन के नाजल हो जावांगा। शव ना कहा है शव की गड़ी कहो कि मैं एक मिनट जरा समना बात तो होके आया। जिथे भी गए लोगों की जिंदगी जाम कर दिती है, या अपनी आवाज सुनी है ते या अपने पैरां दी तीसरी आवाज सुन दा शौक है। चार हो जान ते पेड़िया नस्त नहीं जांदा। ओ तेरा लोग हमारा शहर का नाम तमिल चलो। ओए तेरी गल दा इसलिए दुख नहीं होया लकड़हारिया के तू सानू नहीं जानदा। ते फिर मेरे आल आ जा, मैं ते तेरे प्यो नु भी जानना। राजू मैं कह कुर्बानी दे पकड़े की तू लाए है। ओए नहीं तू पहुंच रहे हो के साडे ते बट्टा चिकन भी चीड़ी करता चाहे तो हो जाओ, नहीं तो फड़ा मारंगा जे। ओए राजू अज इस बाजार नू एहो जिहा जाम करूंगा के इत्थे इंसान ते की हवा भी बेआराज चलेगी। राजू तुम हमारा मेहमान है, पठान का मेहमान लड़े तो ये पठान का बेइज्जती है। अगू हाँ मैं सिर्फ तेरा मेहमान ते तू सारे पंजाब का प्रण है। बाहर सारे यार होंगे कभी यार भी मन है। अपने अपने पैरों से खलो जाओ, जिन्हें भी हाथ चुकन की कोशिश की थी गोली मार देना। हैरान ते होवेगा साहब बादर के शव ने तेन पहली बारी मौके ते कोई लाश दे दिती। फिक्र ना कर साहब, तेरा शौक मैं पूरा कर देंगा ते रच के पूरा कर देंगा। क्या भैया मैं तुम्हें सारे नक्शे मदद ते गिरफ्तार करने। चलो राजू कभी पंड करके नहीं जो तुरै अगे रखो। अज लाला की वजह तो सारे फड़े गए ने मां, व्याह वापस तुर गए किधर ना हो गए। दुश्मनी की अग सजे इन्होंने सजना में साड़ के सुहागा जिन्हों का कोई कसूर नहीं। ओ मेरा मां जी तुम फिक्र ना करो, हम पठान का बच्ची है, अभी कान जिंदा है, अगर वो मर गया नहीं भी मर गया तो मेरा बच्ची तुम्हारा हिफाजत ना करिए ना ऐना को। मां जी तुमको यहाँ रहना पड़ेगा। जनाब मैं क्या पिनी ते टको इस पिनी नु वेख के मेरा जी पिनी कुटन नु करता है। बदमाश चपेड़ मार के किथे चले गए हूं ही दसनी। अच्छा चपेड़ खा के शक्ल मेरी बदलनी चाहिए, बदल तो आड़ी गई क्या और यारा के पीछे पूछल होंगी। मेरे मुंह ना तुसी हाकी खेड़न लग पई है। मैं तुम तंदूर च सुट देंगी। क्यों बालन मौके बस मैनू होर बेइज्जत ना करो। किताबे इलाही दी कसम है मैनू ते सारे प्यो कहंदे ने। नहीं नहीं तानू दोनों नू कट के किताबे इलाही दी कसम है मैं ते जग्गे गुजर नू मिलन गया सी। जग्गे गुजर नू मिलन गया अपना बच्चा है, बहुत अच्छी फैक्ट्री का बनया है, 67 मॉडल ते सब तो मजबूत बदमाश।
उन्हें मैं एक हल्का जहा मेरे को मशवरा लेना सी टैक्स के बारे में, मैं उन्होंने मशवरा दिता के बलो अगर तेरे मोढ़िया ते राजू राकेट वर्गा यार होवे ते की लाहौर की कुल आलम तेन टैक्स दे। कानून हाथ च करन गया सा ते थानेदार ने मैंने यकीन दवाया कि बलो बल ते खान की शख्सी जमानत लेना, लेकिन राजू राकेट की जमानत कचहरी चो। जमानत की हुई है लाला, पूरी कचहरी जाम हो गई है। अरे कचहरी जाम हो गई है शानिया, इस गज का की हाल होगा? सिर्फ अपनी आवाज सुनी है या अपने पैर ली, तीसरी आवाज सुन का शौक है। आवाज से बड़ी दूर की गल है लाला, किसे एक नु कहो के पैर चुक के बताए। शेरू रब जानता जे तेरी हिक से अपना नाम लिखा ते ओनू वेख के तेरा प्यो भी नस जाए। हाली ते मैं प्यो बनना उन्हां बालां दा जिन्हां दा तू मामा खाना है। बस नहीं है साडे दुश्मन नू तू गोली नू मारी थाने तारा, नहीं ते गोलियां दी इन्नी कु बारिश होएगी कि तेरे वर्गे हर सपाटे की वर्दी लाल हो जाएगी। कतल साडा भरा होया, ते साडे भरा दा कतल कानून की फांसी ते नहीं चढ़ेगा, इसे बाजार कतल होगा। सरकारी फाइल च राजू नु कातल नहीं मकतूल लिखी थाने तारा, कतल असि आप करांगे, रिपोर्ट तू लिखी ते गवाही सारा शहर देगा। ओए मैं सारे बदमाशों नाल कल्ला ही निबड़ांगा, जे तुहाडी किस्मी ना मुकी ते मैं तुहाडे नाल रच नू भी मुका देगा। ओए मेरे नाल लाला पंज साल दिन रह गया, बंदूका चुक ला है, आज बैलेंस पूरा कर देंगे। पर मैं तो सुनिया लाला के पुलिस ने सारे शहर की नाकाबंदी कर ली है। ओए फिर दुआ मंग सानिया, राजू पुलिस के हाथों महफूज रवे। तेरे पीछे पुलिस लगी है छीमो, वे पुलिस ते तेरे पीछे आज लगी है भेड़िया, सानू ते तेरे पीछे लगे पूरे दो महीने हो गए ने, कभी सानू भी याद की सही। बोले बोल छीमो, पुलिस ते कान बड़े तेज होंगे। वे एक बार अपना हाथ साढ़े ना चला, रब दी सौ जे इजराइल भी तेरे वाल तक गया ते छीमो ना तेरे ना ना लगता होगा तो फिर तकदीर मनु कैर के तेरे को क्यों लैन दी। एक गल ते दस राजू, बंदा ते तू बड़ा शरीफ पर ते थोड़ा कतल की हो गया छीमो। एक दिन मैं मस्जिद च नमाज पढ़ के बाहर निकल रहा था, चलाओ नहीं ते गली गली ते घर घर बैन पै जाएंगे। आए सोनी दाए शहर ते शबरे दी एक बड़क नाल खाली हो सकता है। ओए अचके शबरे अचके ओए चलिया, जे शहर खाली हो गया ते जुए दी बैठक भी आबाद होगी। नहीं नहीं सोनिया, शबरा कवे मैं शहर दी हर सोनी का मैं वाल चुक लिया वा। और नहीं लाला नहीं, सबरा ते आप ते शहर कदम रख दवे, उतों की हर मां अपने बच्चे आप मेरे अड्डे ते खड़ जावे। और फीता भी कटिया गया ते हुण ताश दे पट्टे भी वंडो।
ते फिर वेखना उस मस्जिद का हर नमाजी सब छट के मेरे चूहे की सरी तो नहीं आ जाए ते मैंने शुभरा ना खड़ा इन्नी अट नहीं चुकी थी पलवान इबादत का ते वैर कौम दी भी होवे ते ओदा भी एहतराम करी दा वे होया ते फिर भी साडी अपनी मस्जिद है ते फिर तेरा मजार बना देया नहीं यार नहीं होया जिथे कमली वाली सरकार ते दरूद होवे उथे चूहे दी दरी नहीं बिछाई थी चबरिया मौलवी नु काफिर करो दस तेरी लाश हुजरे सुटनी है या चूहे दी तरी च बंद करके थाने पहुंचा दिया ओए ओए हाली भी बेला जे ओए बुजुर्ग करके चूहे दी इस तरी नु तू कने ते जुए दी है तेरी नु मस्जिद दे दरवाजे तो चुक के तेरी मां ने कार पुता दिया पुत्र ये कुरान दा फैसला है तू जे काफर नु मार देना चाहिदा है अल्लाह के घर के सामने जुआ हाला किस तरह बर्दाश्त कर सकता था मर कमली वाली सरकार तो ते लखां जाना कुर्बान राजू ए जे 150 काफर और मार दे तेनु मेरे वालों इजाजत आज खान दी बच्ची दी सालगिरह है ते मैं उस बच्ची ने कुछ वादे किए हुए ते बच्ची केड़ा दूर है मैं पहुंच जाता तू ते पहुंच जासी पर मैं उठे किस तरह जावांगा बाजार दे इर्द-गिर्द ते पुलिस दा डर है शहरों बाहर भी नहीं गए शहर विच भी नहीं मिले फिर जा कि सकते पर दुख तो इस गल का है ना राजू के नवे टिकाने का पता है ते ना ये पता है कि शाहू रहा कि एक गल यकीनी है भट्ट साहब शाहू राजू को बदला लैन जरूर आवेगा सरज खान की बच्ची की सालगिरह भी है ते सीआईडी रिपोर्ट के मुताबिक सब नू राजू का इंतजार भी है ते फिर पुलिस का पैरा चुक लो जे राजू नू पता लग गया ते वो इस साल गिरा ते नहीं वो बच्चा कब तक चाहता राजू तरफ से देखेगा लो बिस्मिल्लाह करो ना अगर राजू चाचा नहीं आएगा तो हम केक भी नहीं काटेगा हाँ साढ़े को तोहफा मंगा के खीसा काट लेना केक ना कटना मेरा कबूरती मुंह पा लवे और मेरा बच्ची केक काटो तुम्हारा चाचा पुलिस का मफरूर है हाँ। पुलिस ने उनका रास्ता रोका हुआ है चलो केक काटो ये सब लोग घर जाए चाचा नहीं तो खुशी कैसी बच्चा ये सब लोग तुम्हारे लिए आए अगर तुम केक नहीं काटेगा ना तो इन बेचारे का दिल टूट जाएगा कैसे बाबा ये सब लोग हमारा चाचा नहीं ला सकता अरे सब लोग तो मिलके तुम्हारे चाचा का अंगूठा नहीं ले आ सकता तो चाचा कितने ले आएंगे गुरबानो देख किधर किधर सोने तोहफे में जब तू केस नहीं कटेंगी तो तोहफे भी नहीं तुम मिलेंगे हमको तोहफा नहीं कैसे चाहिए तोहफे को तोहफा खोल कर देना मतलब चाचा है ना कि बढ़िया हो गुरबानो आज तेरे चाचे तेरे ने तोहफा घर लिया चाचा आ गया नहीं तो ये तोहफा किस काम का ओ चाचा आ गया मैं आ गया गुलबानो ओहो अब आएगा आपको इस काटने का ओ तू तो मारो
He
ਵੀ ਬਣਿਆ ਖੈਬਰ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ अजब कुरान दतारी राजू कि कौन सा राजू बदमाश जरा हमने थोड़े नाल नच रहा सी वो राजू माजू हमारे पॉकेट में नहीं है कि तुमको निकाल सके हां राफत राज दस दे नहीं तो मैं सारे फड़ के ले जाऊंगा अरे दास जी जो मैं करा तो फड़के तुम सारे ले जाए एक किस तरह हो सकता की मतलब राजू ने मैं बुलाया और कितने रे जो फड़ा हों तो नसा क्यों इन अर्थ ही ला लो लाला मेरी मां ते पैंदा ख्याल रखे ओ यार तुम कब तक भूलेगा हम कब तक जवाब देगा वो बाबा पठान का एक जुबान होता है वो तुम्हारा मां बहन नहीं है हमारा मां बहन है अच्छा रब रखा और पैदा खान पुत्र वो है मां जी जी मां जी माफ करें पुत्र राजू की वजह नाल तेरी मैसेज रंग फिक्का हो गया हमको पता है मां जी अपनों के जाने से माए और मैं अपनी उछड़ जाती है लेकिन अमित ने बात जरूर करेगा कि अगर हमको बेटा बोला है तो फिर राजू कहीं हमारा मां बन के बात करो हमारा मां बन के हमको तो इतने दुख पड़ा है कि हम कौन है राजू नहीं है मैं पुत्रा इतना दुख तो मैं राजू की गिरफ्तारी का नहीं सी होना जितना दुख तेरी यह गल सुन के हुए है देख रहे बेईमानो आज तो बाद अपनी मां ने ताना कभी ना लगी जब पुलिस ने राजू की मां भैन तू पैरा चुकी ले तो फिर इंसान शुक्रिया अज मैं तेरा व्याह राजू की भैन नाली करांगा सानिया मैं राजू राकड़ की भैन नाल व्याह भी करांगा ये मिल गया तो लाश से भंगड़ा भी पावांगा उसकी तो शुक्रिया आ मेरे नाल नहीं नहीं तेरा उसूल है दुश्मन की दलीस से मैं हमेशा दिन के चानने चाहना उधर सूरज चढ़ेगा इधर शिकरे की जन चढ़ेगी जांजी सिर्फ तीन होंगे ते जनाजे 300 उठेंगे लोगों की जिंदगी जाम कर देती है या अपनी आवाज सुनिए या अपने पैरों की तीसरी आवाज सुन का शौक है Thank you.
च इंतकाम भी है ये कोई सवाल भी ने खान पहले मेरे सवालों का जवाब देगा या जान वह मजदूर है मेरा कोई तुम्हारा शागिर्द नहीं है कि जवाब माफ देता रहे जाओ जाओ अपना काम करो हमारा मजदूरी कटे में पहले मैं राजू राकड़ दी बहन चुकनी सी ते हूं मैं तेरी बीवी चुकांगा खान पचा हमारा मां बहन का नाम लेती है हम तुमको जिंदा नहीं पाएगा नहीं पड़ती है वो कल्ला कब तक लड़ता रहेगा उस वक्त तक लड़ेगा जब तक उसका जान में जान है तुम फिक्र मत करो कान मर गया है लेकिन कान का बीवी अभी जिंदा है राजू दी भैन ते राज इन्नी कमजोर कान चंगी नहीं लगती जो मां अजब कान जैसा बहादुर को पैदा करती है वो कभी कमजोर नहीं होता ये गल है बुलबुल ते सानू भी अजब खान जिहा एक बहादुर दे दे वो खंजीर का बच्चा मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा आज तो बाद गुलबानो मां किन कवेगी तो कदम अगां वध के वेख राजू तेनू पंजाब की इज्जत गैरत लई सरहद दा डुंडेलो आप ही दसेगा कि पठान दा एहसान किवें लगेगा भी मर गया बाप भी मर गया लेकिन मारा माँ बहन महफूज है चाचा पान बाबा बोलता था माँ बहन चला गया तो पठान के घर कभी मेहमान नहीं आएगा चाचा इधर हम परदेसी था अब हमारा कोई नहीं हम बिल्कुल अकेले नहीं कुल बानो आज तो
पूरा पंजाब तेरे नाले। नायाब हथियार ने स्टील ते वैसी जट का कनासा एक सारे हथियार ऐसे कटे दीते ने शव को अपने यार का बदला है और नांगे तो बच्चे कोट वेख के दस किन्ने कास लगे ने ओ शव तो बकवा ना झूठे ते हुण हुण तो अड्डी मारी है ओए ओए नु हिस्ट्री शीट पर के दस 15 पुलिस मुकाबले तो 8 डाके हां 9 कतल 14 चोरियां पुलिस नु पिलावन तक दुराया अपना पीछा पीछा और नहीं जाए और हाशिम मिसाएगा लंडी कोतल तक अपने पीछे पीछे और नहीं जाए आज ते मैं खान दी बच्ची नु देनी है तोहफे दे तौर ते ये बच्ची भावे उस लाश तूड़ी परा के कंध ते ला लवे ना रो ना रो तेन कहनी सा ना सानू जान दे असी तेरे लिए मेहमान ने मौत है हम बाबा और मां का नहीं रोता है हम इसलिए रोता है बीच में बहुत बड़ा है और हम बहुत छोटा है काश पाला सानू इतने लेके ना आंदा ते ना ही कभी राजू इतने आंदा हां तेरा यार भी होवे तेनू दे कातल दा पता ना होवे ए किवें हो सकता है जे पता हुंदा तां ते हुण तक उहनां दीआं कबरां ते कतबे लग चुके हुंदे हवालदार राजू दी मां ते भैण नूं थाणे बुला लिया साहब पादर मेरी मां ते भैण नूं इत्थे ना बुलाई नहीं ते सां रत्ती मैं तेरा सां थाणा पुट दिआं गई शट अप ए मेरा कानूनी हक है कदे असीं वी अपना हक लैण लई साडे घरां च गए ते तुसीं साडे घरां जांदे हो जा सकना है। जाना ही पैना सानू कौन रोक सकता है तैनू सिर्फ इस वास्ते छड़ दिता है बालिया कि तेरे पीछे पीछे चलता मैं राजू तक पहुंच सका घबराई ना है ना तेरे खिलाफ आप गवाही दी है तो ना किसी नु सहन देंगे ए मेरे यार राजू दी ते मेरी साड़ी तो दी खासी फिर लगते हाथ आखिरी ख्वाहिश भी दसता जाओ कसैया आखिरी ख्वाहिश तेन खान दे तकड़ी सुट के दसांगे ओए हुण ते साफ बरी ना भी करे ते नस के आ जाऊंगा जनाबे वाला जराइम दी तारीख च ए फाइल सब तो वड्डे बदमाश शव दी जियो जी जियो वकील साहब नशा आ गया ए गल अखबार च छपवा दियो जनाबे वाला एरा अंदाज एरे जराइम तेरे खिलाफ कानून कारनामे ने राजू दे शरीफ शहरी नु कातल ते मफरूज बना दिता इन्हें एक कतल नहीं कई कतल किए ने जनाबे वाला मैं अदालत अगे दरखास्त करांगा कि इस मुजरम नु सख्त तो सख्त सजा दी जाए ताकि एरा हशर वेख के साडे मुल्क चो बदमाशी भी खत्म हो जाए ते हो जाए बदमाश भी ये ख्वाहिश कानून दी भी है पर अदालत नु अफसोस है कि जुर्मा दी इन्नी लंबी फरिश दे बावजूद इस्तगासा इन मुजरमा दे खिलाफ कोई गवाही पेश कर सकता जनाबे वाला एदे खौफ तो गवाह गवाही नहीं देंदे ते जे अज भी कानून ने नू सजा ना दीती ते इस मुल्क दा हर राजू कातल बन जाएगा नहीं वकील साहब इंसाफ इंसाफ हुंदा इंतकाम नहीं हुंदा जद भी एदे खिलाफ गवाह ने गवाही दे दीती ते इन्हां नू जरूर सजा दी जाएगी जनाबे वाला इस तरह राजू तेरी दुश्मनी कतलेआम बन जाएगी इस कतलेआम नू रोकण लई अदालत फौरी तौर ते इन्हां मुजरमां नू लाइफ पूरी इलाका पाबंद कर देगी कदी गुजरात कदी पिंडी हूं लायलपुर जाए शानिया अदालत में जाके दस दे कि समुद्रों में बंद नहीं मारे जा सकते उन्होंने की पता है लाला शेर नु संगल पा लगिए तो वो खतरनाक हो जाता है चल लाला अज लायलपुर के कैंटा घर के चौक ट्रैफिक रोकनी लगता पूरा लायलपुर शव दे खौफ नाल घरां च नजर बंद है ओए शानिया जाए थानेदार नु जाके कह दे
कत्तू शव नू लालपुर पाबंद नहीं किया, पूरे लालपुर नू शव का पाबंद कर दिता। जिस जूझ शिकार ना हो लाला उसे शिकारी का की काम, चल शिकरे चलिए। ढलिया शिकार कदे भी शेर के सामने नहीं आया, शेर नू शिकार लभना पैंदा। मेरे भी जान दोगे जे शिकार शेर के सामने आ जाए तो शेर शिकार करते रहता। ओए बकरी बार बार शेर के सामने आके बच जाती है, बड़ी खुशकिस्मत है भाई। सानू शायद किस्मत शहर शहर इलाका पाबंद है, इसलिए कर रही है कि पूरा पंजाब मेरे इंतकाम की गवाही दे सके। राजू जे अज मैं तेरे खून ना लैलपुर का हर बाजार ना रखा तो मैनू जाना ना कहीं। ऐसे गाड़ी खट जाए मैनू खान की कबर उची करने लई तुहाडी सुआह चाहिए। और दुख तो इस गल का राजू के तू मारे तीन और साढ़े सामने खड़ा है। ओए तुसी तीनों भी ऐसे गाड़ी सड़ के मर जाओ, नहीं तो मैनू लालपुर शहर की गैरत की कसम है मैं तुहाडे तिन्नां दियां कबरां ऐसे टेंटा कर दे थले बना देंगा।
करांगा।
की कर रही है ना सुन रही है ऐसे तेरे छिड़न दे हम खेलेगा तो हमारे माँ बहन को रोटी कहाँ से मिलेगा गुरु भानु दुखारे तन कितना समझदार बना लेता है तेन लगे होंगे सोचने की लोड़ है माँ बहन हमारा तुम्हारा नहीं ये मतलब है मैं तेरा कुछ भी लगता भानु तुम हमारे बाप का दोस्त हमारा बाप नहीं जो तेरा बाप नहीं तो मैं ही तेरा बापा तुम कैसा बाप है ना तुम्हारा नाम यूसुफ है ना तुम्हारा लिबास वो है ना तुम्हारी बोली वो है मैं क्या की गल है कढ़ाई गोश्त बंद होने वाले तो एडा अफसोस नाल बैठा होया या शाह ने कोई तड़ी लाई हो नहीं ये गल सीधा गुलबानो ने मैं प्यो समझने तो इनकार कर दिया लो दसो कहते ने पागल नहीं लगते तेन मुफ्त च प्यो बनने की जरूरत है वो साड़ी मदद लैन का कर जैसे कौमी की मशहूरी ले दस महीने च भी तेन प्यो बना सकने तेन मजाक सजन डे मैं गुलबानो ने ताना दिता है कि तू पंजाबी है तेरा जबान ते लिबास मेरे प्यो तो वखरा है जे तू मेरे निकाह करना ना तो तेन वो भी कुछ बनना पड़ेगा जो मैं
दुश्मन दूर है तो तू ही दुश्मन बन के सामने आ जा। आज मेरा कत्ल करने पे जी करता है। जिस वेले मुशक्कत करेगा सारी आकर निकल जाएगी। और नंबरदारा जे तेरी जान निकल गई तो फिर अगे लगो नहीं। शुक्रिया मजा तो फिर के सानू मुशक्कत नहीं लैके जावे ऐसी पूरी जेल की मुशक्कत बंद कर दी है। आए तेरी जेल में जाम करा। तेरे भी साफ बंद कर दिया नंबरदारा। जब तक शव जेल चे प्रेस बंद रहेगा एनु जेलर भी चलावे ते जाम कर देंगा। किन्ने चला दिता इन मैं चलाया शाहू इसलिए कैद तेरे कतल की खबर छापनी है। सारा कसूर इस नंबरदार का राजू जेड़ा तेरी कजा तेरे सिर ते लाए। ओए शेर दे सिर ते खलो के बंदा दी दहशत नाल ही डिग पैंदा शाहू। कतल करके पूरे पंजाब नू गोश्त बनना चाहना साहब। ओ राजू ओए काला बकरा दे ओए साहब बड़ा बेले सिर आ गई। ओए बकरे दी मां कब तक खैर मनाएगी। बकना है तू भी इतो दफा हो जा चुगर का तेरी जमानत हो गई है। बड़ा खुशकिस्मत है शाहू तेनु कुछ दिन और जिंदा रहन दी मोहलत मिल गई है। कुछ दिन बहुते दिन नहीं। तो लगता है तेरी कबर भी उस बाजार च बनेगी
ਤੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਓਏ ਕਸਾਈਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਥਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਓਏ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਥੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਤੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਿੱਤੀ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਓਏ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਓਏ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਦਲਾ ਤੂੰ ਲਵੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਓਏ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ? ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਸਮਝੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਯਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਖਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤਿਆਨ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਇੰਤਕਾਮ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਰਾਜੂ। ਓਏ ਕਸਾਈਆ, ਓਏ ਖਾਨ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਜੂ, ਸਿਰਫ ਰਾਜੂ। ਸਲਾਮ ਮਾਂ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਪੁੱਤ। ਓ ਬਾਨੋ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀਏ। ਔਰ ਰਾਜੂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਨੇ ਨਾ ਸਮਝਦੀ ਸੱਕੇ ਜੋ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਵੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਇਹ ਭਾਬੀ ਮੰਗਦੀ ਹੋ ਲੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। 6-7 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਓਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵਾਂ? ਲੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ? ਔਰ ਤੂੰ ਵੀ ਖਬਰੇ ਕਿ ਢੀਠ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੇ ਛੜਿਆਂ ਚ ਤੇ ਛੀਮੋ ਦੀ ਛੱਜਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੀਮੋ ਤੇ ਫੇਰ ਛੀਮੋ ਹੈ। ਓਏ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਓ ਚਾਚਾ, ਹਮਕੋ ਇਹ ਚਾਚੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੱਲੋ ਨਹੀਂ ਤੋ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਛੱਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਪਾ ਦੇ। ਓ ਇਧਰ ਆ ਚਾਚੀ, ਇਧਰ ਆ, ਇਧਰ ਆ। Thank you.
ਤੇ ਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਮਿਹਰਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਲਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਮੋਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਈਮਾਨ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ बदमाश सही पर मुसलमान तो है बदमाश का कोई मजहब नहीं होता पुत्र बदमाश मजहब के कानून का एहतराम करे इस शराफत का खून कदे भी ना हो बदमाश का मजहब सिर्फ जुर्म है शाह कुछ भी सही पर वो अल्लाह का कलमा तो पढ़ता है ते अल्लाह का कलमा पढ़ने वाला उसके घर की मुखालफत नहीं कर सकता कलमा तो वो भी पढ़ते सन पुत्र जिन्हें करबला विच इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सजदे शहीद किया फिर मैं भी उसे हुसैन के मनन वाला मौलवी साहब इस मस्जिद की तमीर ले जे मिट्टी च खून भी देना पिया तो हुसैन की सुन्नत समझ के दे देंगा तुसी अल्लाह का नाम लेके काम शुरू करो मौलवी साहब अल्लाह तेरा भला करे सलाम साहब जी वालेकुम सलाम साहब जी मेरी जरा छेती छेती हाजरी ला दो तेरी हाजरी लग गई राजू पर एक गल दस लड़ाई झगड़ा छड़िया के नहीं साहब जी ना लड़ाई पहला चंगी लगती सी ते ना लड़ाई हुण चंगी लगती जे कदी गल पै जावे तो फिर कितनी लड़ना पै जांदा पर साहब जी एक लड़ाई मेरा लड़न नूं बड़ा दिल करता जी वो केड़ी लड़ाई है साहब जी वेला आवेगा ना तो तुहानूं आपे पता लग जाएगा चंगा सलाम अलैकुम मौलवी अपनी कबर कुछ और गहरी कर ले ओए तू भी अपनी कबर ख्याल में कर जाऊ मैं अपना घर नहीं खुदा दा घर बना रहा ओ मौलवी जे अभी खुदा दे घर नहीं जाते ते खुदा साडे प्लाट च की लैना है ओए इना वड्डा फिर ओना बन नहीं ते घर को जाएगा ओए मैं अपने सामने किसी की आवाज नहीं सुन सकता ते मेरे प्लाट पे अजान किवें हो सकती है अजान जरूर होएगी शाहू जरूर होएगी फिर आवाज मार ले मौलवी केड़ा सुर में केड़ा साडे प्लाट ते अजान देवे फातिमा दे लाल दी सुन्नत है इन्हें पूरी होन दे कतल साढ़े लिए फांसी ना बन जाए आवाज हो उची कर में राजू
ਕੰਮ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲੱਭਾਂਗਾ। ਘੁੰਮਣ ਕੇਰੀ लगा दे बात ता पंज तन पाक दमरे सुतड़े पाग जगा दे बात ता खूने अस गई दा आज अपनी शान दिखा दे मेरे लाल दी जान बचा दे ओ मेरे लाल दी जान बचा दे ओ रब्बा मेरे लाल दी जान बचा दे। मुल्तान भज गया पंजाब दे हर शहर दी ट्रैफिक जाम कर चुका और रब का वास्ता जो है पंजाब नू वड़ा करो या ए कोई नवा शहर आबाद करो और जे पंजाब के मैदान मुक गए ने ते फिर किसे पार नू कवो साडा खैन नू जी करदा ना चाहे कसाईया मैं नू खाब समझ के भूल जावांगा। खाब नहीं आए मेरी अख राजू दे लव दी लकीर वेख ते मैनू कसम शाह समझती मैं इसे लकीर से तेरी लाश नू कसीट दिया राजू तक ला जा रही है। ओए शेर तो ते पेड़ चार राजू नू भी नाल लाया ओए जे मेरे वक्त चवे ते साडे आला वीरां नू भी कबरां विचों कढ के मारा जिन्हां नू राजू कतल कर चुका है। ओए गिदड़ शहर जा वड़िया शुक्रिया इन शिकार कर किस किस कंध नु अगे करेगा शाहू जे मैं लाहौरों इथों तक आ गया वा ते भी गल का फासला तुसी किवें ला सकदे हो। दिमाग कह के तेन अपने आप मेरे सामने लिया और कसाईया
मेरे लिए इन्नी दुख काफी ने कि पंजाब के पांच शहरां च मेरे पांच भरा कतल होए ने। ओए मैनू इन्हां कतलों की सौहे हूं मैं तुहाडे शहर च इन्ने तो कतल करांगा कि सत दिन तक लाहौर च मातमी जलूस रवेगा। समझ जा बुढ़िया कि आज राजू दे सिर ते टुटण वाली क्यामत किन्नी क खौफनाक होवेगी। वे मैंने ते बाले दी लाश ने सिर्फ ऐ दसिया शाऊ कि तुम्हें आज कुत्ते दी मौत मरेगा। हाले ते मैं सिर्फ बाले कसाई नु मारिया बुढ़िए, नशा ते मैनू उदो होवेगा जदों राजू दी नस्ल नु तो नबूत कर दियांगा। मैनू मरे हुए प्राणां दी सौं है ना ही तोड़े नसीब कफन होएगा ते ना ही कबर। गोलियां कटने ते होर पहला कुत्तिया नस जाए नहीं। हो सके
ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖ राजू की मां ते भैन की कबर ते बना के दस अजान देन वाले भी मां दा अज इस शहर च कोई मौलवी जनाजा पढ़ा जाए तो फिर मन्ना और रज के गूंजने चला ला शाऊ अज जनाजे की तकदीर ते मेरी अजान की आवाज सारा शहर सुनेगा मौलवी गुजरात तो लैके लाहौर तक तेरे सारे कर्जे ला दिते ने जो तैनू मारांगा राजू ते मेरी दहशत तो पूरा लाहौर हमेशा ले जाम हो जाएगा इस लाहौर का दिल ही बड़ा वड्डा शाऊ आने वाले हर कुत्ते नू हड्डी पा देते ने ते जे आदे जवान सीधे हो जाण ते तेरे जे काबरा ले ओए खाजी इलमदीन शहीद भी पड़ जाते नहीं राजू अपने सारे जुलम गिनना चाहूं हिसाब शुरू होने लगे दफन होने तू पहला मैं तेनु जिंदा दफन कर दियांगा काफरा
जिंदा दफन कर दिता है। इस्लाम की खातर एक मुशरक की एहो जे लखा मुशरक भी होंगे तो उन्होंने कफन कर देंदा थानेदारा, इसलिए मैं इमाम हुसैन दे मनन वाला वा, अली मुश्किल कुशा का दीवाना वा, मोहम्मद मुस्तफा का परवाना वा। थानेदारा जा जाके मौलवी नू कह दे कि उच्ची तो उच्ची आवाज जान दे के इस गल का ऐलान कर दे कि इस कौम विच कोई मुशरक जिंदा नहीं रह सकता। अल्लाह अल्लाह।